दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से हमें रैम ओपन करते हैं और किस तरीके से सही तरीका क्या है रैम लगाने का और खोलने का। हेलो एवरीवन, एमएस तबरेज, आप देख रहे हैं टीटवर्क चैनल। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। क्या आपके कंप्यूटर में डिस्प्ले नहीं आ रहा है या फिर आपके सीपीयू से बीप बीप की आवाज आ रही है? रैम की वजह से जो है कंप्यूटर में कई बार ऐसे होते हैं कि डिस्प्ले नहीं आता है और सीपीयू से जो है बीप बीप की आवाज आती है। दोस्तों अगर आप एमएस वर्ड में मास्टर बनना चाहते हैं तो आप जो है एमएस वर्ड ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे मैंने पूरी कंप्लीट वीडियो बनाया है एमएस वर्ड के बारे में, तो आप जो है इस आइकन पे क्लिक करके जो है एमएस वर्ड ट्यूटोरियल का पूरी सीरीज जो है आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये देखें, हमने पहले से ही जो है अपना सीपीयू ओपन करके रख रखा था और इसमें देख सकते हैं किस तरीके से जो है डस्ट भरा हुआ है। तो हम जो है इसको किस ओपन करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से हम इसे ओपन करते हैं। ये ओपन करना बिल्कुल ही आसान है, कोई मतलब इसमें ज़्यादा ये नहीं है। तो इसे जो है आप एक्चुअल में दोनों साइड से पिन होता है, उस पिन को जो है आप पुश करेंगे और ये रैम जो है निकल आता है। तो ये रैम को जो है ऊपर से जो है आप पुश किया और ऊपर से जो आप इसको कैसे खींच लेंगे, ठीक है। अब हम जो है इरेजर ले लेंगे। इरेजर से क्या करेंगे, इरेजर ज़्यादा बेहतर होता है, जो हम पेंसिल उंसिल से लिखते हैं इरेजर से जो है साफ करना, मतलब जो है कार्बन जो है अच्छे से साफ हो जाता है। इरेजर से पकड़ेंगे और ये देख रहे हैं ये जो कॉपर का है इस पर जो हम धीरे धीरे इसको जो है इरेज करेंगे। तो इसके जितने भी डस्ट होगा या फिर जो भी इस पर कह सकते हैं कार्बन होता है, तो इरेजर से जो है आसानी से ये क्लीन हो जाता है, ठीक है। हमें इस पर जो है ज़्यादा जो है जोर भी नहीं लगाना है, तो दूसरे साइड भी जो है इस तरीके से इरेज कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये इरेज करना बिल्कुल ही मतलब आसान है, कोई भी आदमी कभी भी आप चाहे घर में जो है आसान जो है इसे निकाल के जो है आसानी से जो है इसे इरेज कर देंगे। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि इस पर अगर ज़्यादा आप ये कर देते हैं तो यहाँ पर जो है दिक्कतें आ जाती है, तो इस चीज़ का जो है हमें ख्याल रखना होता है, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रॉब्लम आती है इसमें यही आती है कि कभी कभार जो है डस्ट ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से जो है हमारे सिस्टम में डिस्प्ले नहीं आता है या फिर आपके जो है सीपीयू से बीप बीप की आवाज़ दो तीन बार कंटिन्यूस आती रहेगी, ठीक है। अगर एक बार आती है ओपन हो जाएगा सही है, लेकिन ज़्यादा अगर बीप बीप की आवाज़ आती है तो फिर वो जो है हमें दिक्कत कर देता है। तो इसलिए जो है हमें रैम को जो है क्लीन करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कई मदरबोर्ड में ऐसे होते हैं कि जो है उसमें स्पीकर नहीं होता है, साउंड की आवाज़ जो है आपको सुनाई नहीं देगा। जो पुराने मदरबोर्ड होते हैं जो है उसमें बेसिकली जो है साउंड स्पीकर नहीं होता है, तो जो है आपको बीप बीप की आवाज़ सुनाई नहीं देती है। बेसिकली साउंड होता कहाँ पे है मदरबोर्ड में, वो जो है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ पे इस तरीके से जो है कहीं पे स्पीकर होता है, इसमें नहीं है, ठीक है। मैं दिखा देता हूँ आपको स्पीकर होता किस तरीके का है, तो हम जो है स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। ये देखें स्पीकर है, इस तरीके का स्पीकर बेसिकली होता है, ठीक है। जब भी आप ओपन करते हैं तो ये बीप बीप से जो है आवाज़ होती है। अगर सही रहता है तो 1 बीप देगा, अगर रैम सही से नहीं लगा है या डस्ट है तो वो जो है 2 से 3 बार 4 बार जो है ये बीप बीप की आवाज़ देता है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको अब सेट करके आपको दिखाता हूँ किस तरीके से सेट करते हैं। ये देखें इस तरीके से हम इसे उल्टा नहीं लगा सकते, ठीक है। उल्टा लगाएंगे तो ये जो है लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो हमें ये नोच का ख्याल करना होता है और इसे जो है सीधा करके जो है उधर जो पुश करेंगे और इसे सीधा करके जो है आसानी से इसे फिट कर देंगे। जैसे इसे पुश करते हैं तो दोनों साइड से ऑटोमेटिक जो है ये पकड़ लेता है, ठीक है दोस्तों। तो किस तरीके से हम रैम लगाते हैं वो मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है, ओके। दोस्तों अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि SMPS किस तरीके से हमें इंस्टॉल करना होता है और SMPS का कनेक्शन किस तरीके से हम मदरबोर्ड में करते हैं, तो वो मैं स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। थैंक यू, जय हिंद।